मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगते ही कांग्रेस और बीजेपी में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर संभव प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी के चलते आज रायसेन जिले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुमताज खान द्वारा रायसेन नगर स्थित अमोघ होटल में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सांची विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जीसी गौतम और मुमताज खान ने सांची विधानसभा में कांग्रेस को जिताने के लिए और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पत्रकार और जनता से अपील की। वहीं मुमताज खान ने कहा कि रायसेन जिले की चारों विधानसभा पर कांग्रेस बहुत मजबूत है और आने वाले समय में चारों विधानसभाओं पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की विजय होगी। पर क्या लगेगा आपको, किस तरीके से कांग्रेस मैदान में रहेगी? हमारी संगठन के स्तर की पूरी तैयारी है, पूरा हमारा लेवल तक हम लोगों की कार्यकर्ता में तैनात हम लोगों ने किए हैं। मंडलम सेक्टर तमाम हमारी पूरी चुनाव की पूरी तैयारी है। रायसेन जिले को हमेशा भाजपा का गढ़ माना जाता है, किस तरीके से आप भाजपा के किले में सेंध लगाएंगे? गढ़ तो अपन नहीं कह सकते, इस 2018 में दो सीटें हमारी आई थी, दो सीटें आई थी, दो कांग्रेस दो बीजेपी, गढ़ तो अपन नहीं कह सकते। सांची में भी अपन कभी जीत कर आए हैं, कभी एक बार प्रोग्राम जीत गए, कभी शेखर साहब जीत गए, तो पिछले चुनाव भी हम लोग 2018 में भी जीते, गढ़ तो नहीं कह सकते। धरातल पर किन मुद्दों पर कांग्रेस द्वारा भाजपा को कमजोर करेगी? एक तो जो हमारे पिछले 18 में भी जो प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, तो जिस तरह से विश्वासघात करके कुछ लोगों ने, हमारे साथी लोगों ने सरकार को गिराया है, और जनता भी बहुत नाराज हुई इस बात पर। जनता ने मन बना लिया इस बात को, एक बार इनको दिखाना है, कांग्रेस की सरकार बनना है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, पूरा भरोसा है जनता दे रहेंगे। वो हमारे कमलनाथ जी ने जो 11 जो वचन पत्र जो हमारा निकाला है, वो एक हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा है। जैसे कि किसानों के लिए उन्होंने किसान कर्ज माफी की बात की है, पुरानी जो बिजली है उनकी माफी की बात की है, जो बिजली के बिल है 100 यूनिट तक फ्री, और उसके बाद जो 50% उसका वो किया हुआ है। दूसरा जो एक लाख रुपये शादी में, लड़कियों की जो शादी में 1 लाख रुपये का एक वो उन्होंने किया है कि हम 1 लाख रुपए देंगे, ये बहुत बड़ी बात है, एक ऐतिहासिक और ऐतिहासिक घोषणा है, 1 लाख रुपए एक शादी में देना। दूसरे बच्चों के लिए जो स्कूल में जो जाते बच्चे हैं उनमें 500 रुपए प्राइमरी स्कूल में पर मंथ, उसके बाद शायद 1000 रुपए की है, 1500 रुपए, और नारी सम्मान की जो योजना है वो हमारी 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है वो देंगे। जो लोग दावेदारी कर रहे थे आपके टिकट होने से काफी नाराज है, उनको मनाने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, हम लोगों की पहले भी सभी लोगों से बात हो चुकी थी, ये जो हमारी लड़ाई है वो टिकट तक है। प्रजातंत्र में हर किसी को टिकट मांगने का हक है, कोई भी टिकट मांग सकता है। उसके बाद हम लोगों की पहले से तय हो गया था, हम सब लोग एक होकर के लड़ेंगे, और आज हम लोगों की सबसे बात होगी, सभी लोग एज ए टीम होकर के काम करेंगे, कोई भी नाराज नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्टें डल रही हैं आपके खिलाफ, सोशल मीडिया पर देखिए, ये थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, नाराजगी होना भी स्वाभाविक है। ह्यूमन साइकोलॉजी अगर अपन समझे, जब कभी भी कोई इवेंट होता है तो पहले हल्का सा थोड़ा नाराजगी होता है, फिर आदमी समझता है, फिर धीमे धीमे करके वो नॉर्मल हो जाता है। तो दिस इज ए नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। हमने बताया कमलनाथ जी के जो ये सभी स्थानीय मुद्दे हैं, और यहाँ का जो मैंने बताया वो सड़क का इतना बड़ा मुद्दा है, सड़क का, कि आप अगर थोड़े से भी अंदर चले जाओ गांव के अंदर, बिल्कुल सड़क खराब है, 18 साल में 20 साल में सड़क भी ठीक नहीं हो पाई, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और दूसरी अपन बात करेंगे रायसेन शहर की भी, बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप जाओगे तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनको भर दोगे तो डेंगू कम हो जाएगा, मलेरिया कम हो जाएगा, ये थोड़े से वजन की जरूरत है। सड़कों की देख लीजिएगा आप, इतने करोड़ की सड़कें बनी है, बड़ा बहुत बड़ा घोटाला है, सड़कें बनती मिटल जाती, सड़कें बनती फिर वो हो जाती है। रोजगार के लिए बिल्कुल रोजगार मिलने, नौकरियां दी जाएंगी, अभी वचन पत्र में भी है नौकरियों का कि हम नौकरियां देंगे। दूसरा फैक्ट्रियां लगाएंगे, प्राइवेट फैक्ट्रीज भी लगेंगी, गवर्नमेंट की फैक्ट्री भी लगेंगे। बीजेपी तो बाहर के प्रत्याशी को लिया, बाहर के प्रत्याशी किसको बोलते हैं अपन, यहीं के हम